दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बस्तर के टॉप 10 पर्यटन स्थलों की सैर कराने जा रहे हैं। ये ऐसी जगह है जिन्हें देखे बिना बस्तर का सफर अधूरा है। वैसे तो बस्तर में घूमने लायक जगहों की कमी नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 10 ऐसे टूरिस्ट प्लेस दिखाने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती को देखकर आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात। दोस्तों, जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये खूबसूरत झरना कांगेर नेशनल पार्क में स्थित है। मुनगाबहार नदी का पानी 300 फीट की ऊंचाई से पहाड़ी नुमा संरचना से नीचे गिरता है, जो इसे एक सुंदर झरने का रूप देता है। इसकी मनमोहक छटा में पर्यटक इतने खो जाते हैं कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। कोटमसर गुफा। बस्तर की कोटमसर गुफा भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। यह एक भूमिगत गुफा है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में की गई थी। इस गुफा के भीतर चूना पत्थर से प्राकृतिक रूप से विभिन्न आकृतियां बनी हुई है। इस गुफा में बहुत अधिक अंधेरा रहता है। जब इन आकृतियों पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो ये चमक उठती है। इन आकृतियों को देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस रहस्यमय गुफा में रंग बिरंगी अंधी मछलियां भी पाई जाती है। चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों, यह है बस्तर का विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इस झरने में 90 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी इंद्रावती नदी की खूबसूरती पर चार चांद लगा देता है। इस वाटरफॉल की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में इसका जल रक्त लालिमा लिए हुए होता है, जबकि गर्मियों की चांदनी रात में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जगदलपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान न सिर्फ अपने वन्य जीव बल्कि कई प्राकृतिक आकर्षणों के लिए भी जाना जाता है। ये नेशनल पार्क कोलाब नदी के पास स्थित है। इस पार्क की स्थापना 1982 में की गई थी। आप इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, चीतल, हिरण, लोमड़ी, गीदड़, जंगली सुअर और मगरमच्छ जैसे वन्य जीवों की प्रजातियों को देख सकते हैं। चित्रधारा जलप्रपात। दोस्तों, बस्तर में झरनों की एक वृहद श्रृंखला है। उनमें से चित्रधारा जलप्रपात भी एक प्रमुख झरना है। ये वाटरफॉल 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस झरने की सुंदरता बारिश और सर्दियों के दिनों में देखते ही बनती है। एक छोटी सी पहाड़ी नदी इस झरने का निर्माण करती है। कैलाश गुफा। कांगेर वैली नेशनल पार्क में 3 असाधारण गुफाएं हैं, जिनमें से कैलाश गुफा सबसे पुरानी गुफा है। इस गुफा की खोज 22 मार्च 1993 में की गई। गुफा में प्रवेश करते समय केवल एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। गुफा के अंदर शिवलिंग है, इसलिए इसे कैलाश गुफा भी कहा जाता है। मिचनार हिल। दोस्तों, मिचनार हिल बस्तर के खूबसूरत जगहों में से एक है। घने जंगलों और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्थान चित्रकूट जलप्रपात से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मिचनार हिल की ऊंचाई से आसपास का दृश्य बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। हरी भरी वादियों और पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक का सुंदर नजारा आंखों को सुकून देता है। यहाँ आप ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। दलपत सागर झील। दोस्तों, बस्तर में झरनों के अलावा भी कई दर्शनीय स्थल है। इनमें से प्रमुख है जगदलपुर का दलपत सागर झील। यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में गिनी जाती है। इस झील के मध्य एक द्वीप भी बना हुआ है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण माना जाता है। तामड़ा घूमड़ जलप्रपात। दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात से 10 किलोमीटर की दूरी पर तामड़ा घूमड़ जलप्रपात स्थित है। ये एक 12-मासी झरना है। चित्रकूट के रास्ते पर ये झरना पहाड़ियों और घाटियों के बीच अपनी उपस्थिति दर्शाता है। बरसात के मौसम में इस झरने की खूबसूरती देखते ही बनती है। दंतेश्वरी मंदिर और राजमहल। दोस्तों, ये है जगदलपुर का बस्तर पैलेस। इस महल की दीवारों और छत पर उत्कृष्ट नक्काशी देखने को मिलती है।
यहाँ बस्तर का शाही परिवार निवास करता है। बस्तर राजमहल के मुख्य द्वार पर बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी का मंदिर है। ये मंदिर बस्तर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1890 में पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो समय पर मिलते रहें।